हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर अभी तक आपके डीडी फ्रीडिश पर नए चैनल ऐड नहीं हुए हैं और यदि आप आपके डीडी फ्रीडिश पर ऑटो स्कैन करते हैं तब भी आपके डीडी फ्रीडिश पर नए चैनल ऐड नहीं हो रहे, तो आपको आपके डीडी फ्रीडिश सिस्टम को अपडेट कर लेना होगा, तभी आपके डीडी फ्रीडिश पर नए चैनल ऐड हो जाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि कैसे आप आपके डीडी फ्रीडिश को अपडेट कर सकते हैं? यदि नहीं तो आपको हमारा यह वीडियो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक वॉच करना होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप आपकी डीडी फ्रीडिश को अपडेट कर सकते हैं। डीडी फ्रीडिश को अपडेट कैसे करते हैं इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, इसलिए आपको यह वीडियो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक वॉच करना होगा, तभी आपको अच्छे से पता चलेगा कि आप कैसे आपकी डीडी फ्रीडिश को अपडेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा ही ऐसे डीडी फ्रीडिश से रिलेटेड अपडेट लेकर आते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे आप आपके डीडी फ्रीडिश को अपडेट कर सकते हैं। तो डीडी फ्रीडिश को अपडेट करने के लिए आपको सबसे पहले आपके रिमोट का मेनू बटन दबाना है। मेनू बटन दबाने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो अब आपको यहाँ पर नीचे सिस्टम सेटअप का ऑप्शन दिखाई देगा, तो सिस्टम सेटअप के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। सिस्टम सेटअप के ऑप्शन पर क्लिक कर देने के बाद अब आपके सामने फिर से कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, तो अब आपको यहाँ पर नीचे सॉफ्टवेयर अपग्रेड का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो सॉफ्टवेयर अपग्रेड के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों, सॉफ्टवेयर अपग्रेड यानी कि सॉफ्टवेयर अपडेट ही होता है, लेकिन यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपग्रेड बताया गया है, लेकिन सॉफ्टवेयर अपग्रेड और सॉफ्टवेयर अपडेट यह दोनों सेम है, इसलिए आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए यानी कि आपको डीडी फ्रीडिश अपडेट करने के लिए यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपग्रेड में ही आना है। उसके बाद सॉफ्टवेयर अपग्रेड में जाने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो अब आपको यहाँ पर नीचे अपग्रेड मोड में P2P दिखाई देगा, और यदि आपके रिमोट का वॉल्यूम बटन दबाते हैं तो आपको यहाँ पर P2M दिखाई देगा, लेकिन आपको यहाँ पर अपग्रेड मोड में P2P ही रहने देना है। अब आपको नीचे अपग्रेड टाइप में ऑल दिखाई देगा, और यदि आपके रिमोट का वॉल्यूम बटन दबाते हैं तो आपको यहाँ पर कोड दिखाई देगा, और यदि आप फिर से आपके रिमोट का वॉल्यूम बटन दबाते हैं तो आपको यहाँ पर लोगो दिखाई देगा, लेकिन आपको यहाँ पर अपग्रेड टाइप में ऑल ही रहने देना है। ध्यान से सुनिए, यदि आपको कभी भी आपके डीडी फ्रीडिश को अपडेट करना है तो आपको यहाँ पर अपग्रेड मोड में P2P ही रहने देना है और नीचे अपग्रेड टाइप में ऑल रहने देना है, तभी आपका डीडी फ्रीडिश अपडेट हो जाएगा। उसके बाद अब आपको नीचे स्टार्ट पर आ जाना है। स्टार्ट पर आ जाने के बाद अब आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक कर देने के बाद अब आपकी डीडी फ्रीडिश का सॉफ्टवेयर अपडेट होना शुरू हो जाएगा। अब आपको नीचे एक लाइन दिखाई देगी, जिस लाइन में अभी आपको 0 दिखाई देगा, यदि आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो वह लाइन 100 तक पहुंच जाएगी। 100 तक पहुंच जाने के बाद आपका डीडी फ्रीडिश पूरी तरीके से अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार आप आपके डीडी फ्रीडिश सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि आप आपके डीडी फ्रीडिश के सॉफ्टवेयर को अपडेट करेंगे तो आपके डीडी फ्रीडिश पर आसानी से नए चैनल ऐड हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा ऐसे डीडी फ्रीडिश से रिलेटेड अपडेट लेकर आते हैं, इसलिए आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए, ताकि आपको हमेशा डीडी फ्रीडिश से रिलेटेड ऐसे ही नए अपडेट जानने को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।